आज मैं आपके साथ दाल खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे अनेक घी। घी विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। अनेक घी एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है जो पिछले 50 साल से ज्यादा से अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। खिचड़ी का मसाला बनाने के लिए हम घी में डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। जैसे ही आप प्याज और लहसुन को घी में डालेंगे, घी का फ्लेवर जो अनेक घी का दानेदार फ्लेवर और खुशबूदार फ्लेवर है वो एकदम उभर कर आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। हम इसको पूरा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें एक और इंग्रेडिएंट डलेगा जो एकदम एंड में डलेगा, माय फेवरेट इंग्रेडिएंट विच इज हरा प्याज, दैट इज स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन हम एंड में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाता है एंड वी डोंट वॉन्ट टू ओवर कुक इट। इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पीली दाल और चावल जो मैंने पहले से कुकर में कुक कर रखे हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अपने प्याज लहसुन और हरे प्याज के मसाले में और हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारे मसाले, जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग, 1 चुटकी हल्दी, नमक जो हम डालेंगे स्वाद अनुसार क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं चावल और दाल में पहले, तो हम नमक थोड़ा कम ही रखेंगे, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी खिचड़ी की कंसिस्टेंसी वाटरी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बट थोड़ी वाटरी, क्योंकि ये पड़े पड़े और गाढ़ी हो जाती है, इट बिकम्स इवन थिकर। तो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे आपके सामने है। अब हमारी खिचड़ी तैयार है और हम इसके ऊपर का तड़का डालने के लिए लेंगे 2 चम्मच अनेक घी, जिससे खिचड़ी का टेस्ट और भी ज्यादा एलिवेट हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 कप हरा प्याज, ये वाला कप छोटा रहेगा, और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन विच इज गार्लिक। फॉर गार्निश हम एंड में ऐड करेंगे 1 सूखी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हमारा मसाला बन गया और हमने उसको थोड़ा सा पका लिया, तो जो खिचड़ी हमने प्लेट करके रखी हुई है इसको सिर्फ खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे। And our khichdi is ready.